तो दोस्तों, ऊपर से कुरकुरा, अंदर से हल्का फुल्का सॉफ्ट, ऐसा नाश्ता आज हम आलू का बनाने वाले हैं, जिसे हर कोई आसानी से कम मेहनत में फटाफट 5 मिनट में बना सकता है, वो भी बिना मैदा, बिना ब्रेड, बिना सूजी के। इतना आसान है बनाना कि आप इसे सुबह की चाय या फिर शाम को स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आलू और पोहे का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाना। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस नए नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए 1 कप मोटे वाले पोहे। अब हम इनको बाउल में डाल देते हैं। अब पोहे अच्छे से फूल जाएं, इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 कप गर्म पानी। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसको 30 सेकंड के लिए छोड़ देंगे ताकि पोहे अच्छे से फूल जाएं। तो दोस्तों, आप चाहे तो नॉर्मल पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नाश्ता जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो पोहे को रखे हुए 30 सेकंड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पोहे अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इनको 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे और इनको स्ट्रेनर पर रख देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। तो पोहे को रखे हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पोहे एकदम खिले खिले लग रहे हैं। अब हम इनको बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इनको हाथों से अच्छे से मसलते हुए इनका डो बना के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, ये नाश्ता बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाता है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो हर बार बनाना चाहेंगे। तो हमने पोहे को 1 मिनट तक अच्छे से मसल कर इसका डो बना के तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज के उबले आलू। आलू हमें ठंडे ही लेना है, आप चाहे तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। अब हम इनको कद्दूकस की मदद से कस लेंगे। आप चाहे तो आलू को मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन आलूओं के बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। आलूओं को हमने कस लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट के लिए इसको डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक, जिसे हमने कद्दूकस करके लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर 3 लहसुनी कलियों को भी कद्दूकस करके लिया है, इसको भी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट के लिया है, इनको डाल देंगे। अगर आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कद्दूकस ही हुआ गाजर लिए, इसको डाल देंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून उबली हुई मटर लिए, इसको डाल देंगे। आप चाहे तो फ्रोजन मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें हल्के फुल्के मसाले डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया, इसको डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। 1/4 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब नाश्ता हमारा चटपटा बना, इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला। इसी के साथ हम इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आप इसे ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में या फिर जब कभी कोई मेहमान आ जाए झट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब नाश्ता हमारा क्रिस्पी बने, इसके लिए हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और सारी चीज़ों को मिलाते ही हम इसका डो बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, डो बन के तैयार है। अब हम हाथों को अच्छे से धो लेंगे और हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और अब हम इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इस तरीके से इसे रोल करते हुए इसका बॉल बना के तैयार कर लेंगे। अब हथेली से इसे प्रेस करेंगे और इस तरीके से इसे टिक्की का शेप दे देंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब हम इसको प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम सारी टिक्कियां बना के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको याद दिला दें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमने सारी टिक्कियां बना के तैयार कर ली हैं। चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके टिक्कियां इसमें डाल देते हैं। आज मैं इन्हें सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन कम तेल में भी ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। अब हम फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम कर देंगे और इनको 2 मिनट तक इसी तरीके से सिकने देंगे। जब ये एक तरफ से हल्की सिक जाएंगी तब हम इनको पलटेंगे। तो सिकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं एक तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इनको पलट देंगे। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, हमें इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। इस तरीके से अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगी। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये बाहर से सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और अगर आप इन्हें लो फ्लेम पर सेकेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगी। तो दोस्तों, एक बैच को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट का समय लगेगा और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं,
ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के भी बना के तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी आलू पोहे का नाश्ता बन के तैयार है। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में या फिर जब कभी कोई मेहमान आ जाए झट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।